डियर स्टूडेंट्स आज हम फाइलम रिंका के बारे में डिस्कशन करेंगे फाइलम काइनो रिंका काइनो रिंका जो हैं दीज आर स्मॉल एनिमल्स अगर इनका हम साइज़ देखें तो दे आर लेस देन वन मिलीमीटर लॉन्ग एलोगेटेड हैं बायोलैट्रली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं और नॉर्मली दे आर आल्सो वर्म एनिमल्स इनको वर्म्स भी हम कह देंगे दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मेरीन इन्वायरमेंट यानी फ्रेश वाटर के अंदर हमें ये या सॉइल के अंदर हमें ये नहीं मिलेंगे और मेरीन एनवायरनमेंट में ये मड और सैंड के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल सीलिया या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं हैं सो दे सिंपली बरो तो ये सैंड के अंदर मड के अंदर बरंग टाइप ऑफ एटीट्यूड जो है वो शो करेंगे और उस बरंग से क्या होगा जो सैंड होगी या मड होगी इनके स्नाउट के अंदर चली जाएगी स्नाउट क्या है माउथ लाइक स्ट्रक्चर इसी वजह से इस फाइलम का नाम जो है दैट इज़ काइनोरिंका। काइनीस का मतलब है मोशन रिंको का मतलब है स्टाउन यानी वो एनिमल जिनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन जो है दैट इज़ यूजुअली स्नाउट बेस्ड और फाइलम काइनो रिंका के अंदर वन फिफ्टी स्पीशीज़ जो हैं ओनली नोन है सो इट इज़ अ स्मॉल फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेटा इनकी बॉडी सरफेस जो है इसके ऊपर कोई भी सिलिया या इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होंगे बल्कि यहाँ पर थर्टीन टू फोरटीन यूनिट्स हैं डेफिनेट यूनिट्स हैं जिनको हम कहेंगे जूनाइट्स हेड जो है इसमें दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द जोनाइट वन इस जोनाइट वन के अंदर क्या क्या मौजूद है माउथ ओरल कोन और स्पाइंस दूसरा जोन जो है जोनाइट दैट इज़ नेक नेक के अंदर मौजूद हैं स्पाइंस जिनको हम कहेंगे स्केलेड्स और प्लेट्स जिसको हम कहेंगे प्लेसिड्स हेड जो है दिस कैन बी रिट्रैक्टेड यानी अंदर भी चला जाएगा बॉडी के और बाहर भी आ जाएगा वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड हेड नेक के अंदर भी चला जाएगा और नेक से बाहर भी आ जाएगा फिर तीसरा जो नाइट जो है उसको हम कहेंगे ट्रंक ट्रंक के अंदर मौजूद हैं ग्यारह या बारह जो नाइट्स और यहाँ पे जो टर्मिनल स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम कहेंगे एनस हर ट्रंक जो नाइट्स जो है इसके अंदर पेयर ऑफ लेटरल स्पाइंस मौजूद हैं और वन पेयर ऑफ डॉर्सल स्पाइन मौजूद है बॉडी वाल जो है उसमें है क्यूटिकल एपिडर्मस टू पेयर्स ऑफ मसल्स डोरसोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स फिर सूडोसिलोम जो है इसके अंदर लार्ज है एंड इट आल्सो कंटेन्स द अमीबोइड सेल्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है माउथ है बकल कैविटी है मस्कुलर फेरिंग्स है इसोफेगस स्टमक इंटस्टाइन जहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्बशन का प्रोसेस प्लेस होगा का। कुछ काइनो जो है दे फीड ऑन डाइटम्स एल जी एंड ऑर्गेनिक मैटर इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए इसमें मौजूद हैं प्रोटोनिफ्रीडिया प्रोटोनिफ्रीडिया जो हैं ये जोन टू में मौजूद होंगे नर्वस सिस्टम में है ब्रेन इसके साथ है सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गेंगलियन मौजूद है गेंगलियन इज नथिंग बट अ थिक्ड मास ऑफ नर्व सेल्स ये हर जोनाइट के अंदर मौजूद होगा कुछ स्पीशीज जो हैं इनके अंदर आई स्पॉट्स और दूसरे सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट उन स्ट्रक्चर्स में सेंसरी ब्रिसल जो है दैट इज़ क्वाइट कॉमन डायोशियस है, पेड गोनेड्स मौजूद हैं स्पाइंस हैं इसके अलावा इसके अंदर यंग वंस जो हैं दे नॉर्मली हेच इन टू लार्वे Uh, that दैट not नॉट हैव ऑल zonites, लार्वे विल ग्रो मोल्ट एंड दे विल शो द अडल्ट morphology. मोल्टिंग नो लॉन्गर occurs इन अडल्ट इस डायग्राम में आप फाइलम काइनो रिंका के डिफरेंट फीचर्स जिनकी हमने बात की उनको आप इजीली देख सकते हैं पहला आप देखें हेड हेड के अंदर ओरल स्ट्रक्चर्स ओरल कॉन्स मौजूद हैं स्केलिड्स हैं हेड के बाद नेक नेक के अंदर ये डिफरेंट प्लेसिड्स हैं जोनाइट्स हैं डॉर्सल स्पाइन है लेटरल स्पाइन हैं कॉर्डल स्पाइनज हैं एनस हैं तो दिस डायग्राम शोज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एनाटमी ऑफ रिंग्स